हमारे भी हमारे बड़े भाई जो आज पूरे भारत ही नहीं विश्व में एक बार रवि किशन जी के लिए जोरदार तालियां बजा दे। जय हो जय हो। हर हर महादेव। दोनों हाथ उठा के जरा तालियां बजा के। बड़ी दूर से गोरखपुर से सांसद हैं बड़े भैया और स्पेशली हमारे रमेश भाई के बुलावे। किस्मत होती है वो धरती जहां रवि किशन जी जैसे सांसद होते हैं। नेता हर जगह मिलेगा लेकिन बेटा कहीं नहीं मिलेगा। वो कोई कोई धरती पुत्र होते हैं जो आपके बीच आते हैं। भैया से गुजारिश करूंगा एक बार आगे आए जरा जोरदार तालियों से स्वागत हो। खट्टू वाले श्याम जी कमाल हो गया। खट्टू वाले श्याम जी कमाल हो गया। ये भैया के शब्दों का कमाल है कि यूपी में सत्ता और आज ओबरा में पूरा ओबरा था। दोनों हाथ उठा के जरा ताली बजा के मिलके क्या बात। खट्टू वाले श्याम जी कमाल हो गया। खट्टू वाले श्याम जी कमाल हो गया। ओ बंदा तेरा बाबा माला माल हो गया। चढ़गी घुमारी तेरे नाम की परवाह नहीं संसार। चढ़गी घुमारी तेरे नाम की परवाह नहीं संसार। मैं रवि भैया से भी गुजारिश करूंगा। मैं खाटू श्याम जी का प्रचारक हूँ और खाटू श्याम जी जयपुर से 90 किलोमीटर दूर है। एक बार आपको मौका लगे तो जरूर बाबा के दरबार में जाना। 6 दिसंबर को जिस दिन मैंने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गीत लिखा, उस श्याम बाबा को याद कर ही लिखा और वो हारे के सहारे के नाम से प्रख्यात है और हम सबके लिए हारे का सहारा बनकर आए और गीत आया। उसके बाद गीतों की झड़ी लगी, आपने गाया, सबने गाया और हमारा यूपी जो हम चाहते थे वैसा यूपी हमें मिला। यूपी में रहकर यूपी में सत्ता की नहीं मां, ताली बजा के बताओ यार ये क्या बात कर रहे हो। हाँ एक बार शोर मचा के बताओ जोर से। श्याम बाबा के भक्त आए हैं। एक बार अगर आप कह देंगे कि खाटू वाले श्याम जी कमाल हो गया। खाटू वाले श्याम जी कमाल हो गया। खाटू वाले मैं बोलूंगा खाटू वाले श्याम जी कमाल हो गया। 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 क्योंकि भैया हो इस पावन धरती पे प्रभु राम और प्रभु राम जी के लिए जिन्होंने गाया और समस्त भारत ने गाया और उसका रिजल्ट आप देखे। मुझे महाराज जी को भी मिसल भाई बहुत पसंद है, मेरे भारत को भी पसंद है। क्योंकि भैया हो जितनी माताएं बहनें आई हैं जितने भी भाई आए हैं मैं सिंह साहब आपको धन्यवाद दूंगा कि आज रमेश भैया ये सोच रही कि मैं कैसे भी धरती पर पहुंचूं। मैं महादेव के मंदिर गया था। मेरे गांव में महादेव अपना एक मंदिर बनवा रहे हैं। मेरे गांव में महादेव का मंदिर नहीं था और मैं महादेव का भक्त इसीलिए दोनों हाथ उठा लिए। सब लोग दोनों हाथ जितने दिखाई दे रहे हैं दोनों हाथ बोलो दोनों पार्वती पते हो रहा हो। क्योंकि भैया जो राम को लाए हैं इनके बगैर जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और पूरे उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी को दोबारा बहुमत की सरकार से क्योंकि इसी राम राज जी का इंतजार मेरा भारत कर रहा था। इसी राम राज जी का इंतजार कि हम अपने जीते जी हमारे पर प्रभु राम का मंदिर बनते हुए देख रहे हैं और क्या चाहिए।
तो ऐसे मित्तल भाई के लिए जोरदार गड़गड़ा के ताली। फिर मैंने कहा जे कबो ना रहल ऊ अब्बा, जे कबो ना रहल ऊ अब्बा, यूपी में सबका, यूपी में सबका। माँ बहन बेटियां आज आ रही हैं, आज सम्मान है, सुरक्षा है, कानून है, व्यवस्था है, एजुकेशन है, मेडिकल फैसिलिटी है, और आज इतना भव्य कार्यक्रम इस ओबरा की धरती पर हो रहा है, सोनभद्र की पावन धरती पर। यहाँ पर आके मैंने कुछ भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग की थी, लेकिन धन्यवाद रमेश जी आपको, मैं दोबारा आऊंगा यहाँ शूटिंग करने। मैं अभी ज्यादा शूटिंग मित्तल भाई गोरखपुर में कर रहा हूँ। अभी तक 700 फिल्में की। इन लोगों का प्यार, इन लोगों ने मुझे, मुझ जैसे एक देहाती लड़के को सुपरस्टार बनाया, और आज ये प्यार आज आपने हिंदी तमिल तेलुगु में सब जगह देखा है, लेकिन आज इनके समक्ष हम लोग खड़े हैं। ये प्रभु राम, ये भव्य आज ये मंजर, इतना सुंदर ये सेट लग रहा है, क्योंकि साक्षात प्रभु राम यहाँ विराजे हैं, और इसमें आत्मा आ चुकी है, जैसे आज ये भक्त गण को देख के लग रहा है। अब मैं मित्तल भाई को दूंगा, बीच में फिर आऊंगा, हम दोनों की जुगलबंदी चलते रहेगी। मित्तल भाई, खट्टू वाले श्याम जी कमाल हो गया, खट्टू वाले श्याम जी कमाल हो गया, तकदीरें उनकी भी होती है जनाब, जिनके हाथ नहीं होते। हमें हाथ दिए हैं, उठा के जरा दोनों हाथ और जरा ताली बजा के एक बार, खट्टू वाले श्याम जी कमाल हो गया, ओ खट्टू वाले श्याम जी कमाल हो गया। इनके बगैर जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और पूरे उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी को